फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है आरएस अग्रवाल से। आरएस अग्रवाल का एग्जांपल नंबर 32 है। देखिए क्या प्रूव करने बोला है आपको। प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है क्या। देखिए प्रूफ करना है, वहां पर आप देख सकते हैं रेशियोज में आपको सिर्फ साइन और कॉस ही गिवन है, तो इससे लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। एक कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, एक बार आप एक स्टेप आगे सोचें। टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर बी की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। बीच में माइनस का साइन है, तो आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके और इसके डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर आएगा, मतलब नीचे वाला पार्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसमें नीचे वाला पार्ट आएगा कॉस स्क्वायर बी। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट है भी क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। मतलब 100% हो गया अब कि आपको इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उन दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद देखना आपको क्या मिलता है, और फिर आप देखेंगे कि जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसको आप इसमें और इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइन। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस की जगह माइनस, और टेन स्क्वायर बी की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। कन्फर्मेशन कैसे मिल रहा है, एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पर है भी क्या कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। कभी कभी आपको ये वाला पार्ट पहले दिया हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट आपको बाद में दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर पार्ट में क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर। मतलब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना ही है। वही एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हो गया, आप एलसीएम ले लिया, माइनस कर दिया। अब देखिए ये प्रूव करने बोला है क्या, जो प्रूव करने बोला है उसको जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो एकदम सही आ गया है, लेकिन जो न्यूमिनेटर पार्ट है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ साइन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास साइन भी आ गया कॉस भी आ गया। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर बी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। कैसे, कॉस स्क्वायर बी की जगह आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और वैसे ही कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये ध्यान रखना है कि ए की जगह बी और बी की जगह ए नहीं आएगा, ए कोई एंगल है बी भी कोई एंगल, तो आप ए की जगह बी नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे मेंशन किया हुआ मिलेगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो वहां पर आप ए की जगह बी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए की जगह 90 माइनस बी, लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि आपको क्वेश्चन में कई बार मेंशन नहीं किया हुआ है कि a प्लस बी 90 होता है, तो आप बी की जगह a नहीं ला सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में कि इसमें b की जगह a लाना है क्या, तो वो तभी होगा जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आप कॉस स्क्वायर बी की जगह साइन स्क्वायर a ऐसा नहीं ला सकते, आपको कॉस स्क्वायर बी को जब कन्वर्ट करें तो वहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और वैसे ही कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए को बी में, बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ साइन चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ साइन है, तो साइन को तो साइन छोड़ देंगे, और कॉस स्क्वायर बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस की जगह माइनस साइन है तो साइन को वापस एज इट इज छोड़ देंगे साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस साइन स्क्वायर बी को माइनस साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा पॉजिटिव का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय। नीचे वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अंदर भी आपको कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी
ये गिवन है डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर थी, यहाँ पर पॉजिटिव में साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो ये दोनों हो गया कैंसिल। अब क्या बच रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यही प्रूव करना है कि आपको देखिए यही प्रूव करना है। तो यही राइट हैंड साइड है, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। कभी कभी आपको इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पहले दिया हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट बाद में दिया हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट पहले दिया हुआ रहेगा, तो आप फिर इसको पहले इसके इक्वल दिखाएंगे, तो फिर वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर तो साइन गिवन है आपको, तो आपने सारे रेशियोज को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये वाला पार्ट पहले होता, आप इसको पहले इसके इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो आपको सारे रेशियोज को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को मैं एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी की जगह हम लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए इसको भी मैं एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हुआ है, वहां पर आपके पास कैंसिल होता कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और फिर बचता क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है एकदम क्लियर होगा आपको। तो अगर ये वाले क्वेश्चन देखिए बहुत तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है, चांसेस तो ये कि आपको इस फॉर्म में ही एग्जाम में आए, ये तीनों दिया हुआ रहेगा। हो सकता है मान लीजिए कि आपको सिर्फ इसको और इसको दिखाना है इक्वल, तब तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको सिर्फ इसके इक्वल दिखाने बोला बनेगा क्वेश्चन, तो आप ये वाला पार्ट तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो आप सबको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो भी आपका एकदम आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों दिया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, इसको तो आप इसके इक्वल दिखा चुके हैं, अब इसको उसके इक्वल दिखाने के लिए इस पूरे पार्ट को आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। आप बस यहां से भी उस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए कितना ईजी है, आपको बस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना है, साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिखेंगे आप वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, देखिए जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सिर्फ इसको इक्वल दिखाना हो तो आपको पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब तीनों पार्ट्स गिवन हो तो आप किसी भी एक पार्ट को यहां तक सॉल्व कर लें, उसके बाद साइन की जगह कॉस लें, अगर वो वाला पार्ट पहले रहेगा आप इसको कॉस के इक्वल दिखाएंगे तो फिर कॉस की जगह आप साइन ले आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, आप दिखा रहे हैं वो वाला इसके इक्वल कैसे होगा, तो ये इसके इक्वल प्रूव हो चुका है, तो आप इसको ऐसे लिख के दिखाएं, देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ये किसके इक्वल प्रूव हो गया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसके इक्वल हो गया। अब क्या करना है आपको, बस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस की जगह माइनस, साइन स्क्वायर बी की जगह आपको क्या लिखना है वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको चेंज करना नहीं, क्योंकि उस वाले पार्ट के अंदर भी आपको डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दिया है, बस कॉस स्क्वायर बी उसमें पहले लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस स्क्वायर बी को पहले लिख लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए पॉजिटिव वन नेगेटिव वन ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या प्रूव करना है, प्रूव वही करना है बस उसका ऑर्डर अलग है, उसमें कॉस स्क्वायर बी पहले लिखा है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और यही राइट हैंड साइड, तो आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन में एक तो जो बेसिक कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि ए को बी में कन्वर्ट करने का सोचते हैं, ए को बी में कन्वर्ट करने का क्या मतलब, आप ये वाला अभी तक पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाला, कि हम साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ए और बी मिलके 90 होता है, मान लीजिए कि ए और बी मिलके 90 होता है, फिर आप ए की जगह 90 माइनस बी लिख सकते हैं, और वैसे बी की जगह 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कभी आपको साइन बी दिया हुआ है तो आप साइन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, आप बी की जगह 90 माइनस ए लिख लेते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल बी एंगल ए में कन्वर्ट हो गए, रेशियो भी साथ साथ चेंज हो गए, लेकिन वो तभी होगा जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज गिवन होगा, जो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं, तो आप ए की जगह बी और बी की जगह ए बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं, तो आपको साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो देखिए आप साइन बी की जगह कॉस ए लिख सकते हैं,
मतलब आप फिर ऐसे वाले केस में साइन स्क्वायर बी की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वैसे ही कॉस स्क्वायर बी की जगह आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वैसे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ साथ आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आप चेक जरूर करिएगा। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन ही शायद वही बनाऊँ, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, आप जरूर देखिए, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको कि आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेशियोज देखना है, साइन और साइन, कॉस और कॉस, और ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एंगल देखना पड़ता है। थैंक यू भाई।